वेलकम टू स्टडी चैनल मेरा नाम है मोहम्मद कैसर बीएड छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इसमें बताया जा रहा है कि बीएड के छात्रों ने जो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर था प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पात्रता को लेकर तो रिव्यू पिटिशन खारिज हो गया है डिस्पोज हो गया है दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहली चीज़ कि ये जो आप देख रहे हैं याचिका ये रिव्यू पटिशन से संबंधित नहीं है ये क्लैरिफिकेशन से संबंधित है सबसे पहली चीज़ ये है जो सुप्रीम कोर्ट का को ऑर्डर आया था ग्यारह अगस्त हो को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बी अब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा तो ये जो ऑर्डर है ये कब से लागू होगा ये मांग की गई थी काफ़ी राज्यों ने ये मांग की है यूपी बिहार साथ ही साथ वेस्ट बंगाल ताकि जो भर्तियां चल रही हैं जो पहले पूरी हो गई हैं उन पर ये आदेश किस प्रकार से लागू होगा इसके लिए क्लरिफिकेशन डाला गया है तो आप देख सकते हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट और ये जो मामला है ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि डिस्पोज हुआ है अब ये पहली बार डिस्पोज ऑफ़ नहीं हुआ है डिस्पोज हुआ है डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है खारिज होना यानी डिसमिस होना और डिस्पोज का मतलब कोर्ट की भाषा में निस्तारित होना होता है तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं पहली चीज़ कि ये रिव्यू पटिशन से संबंधित नहीं है क्लैरिफिकेशन से संबंधित है और ये भी खारिज नहीं हुआ है ये डिस्पोज हुआ है अब ये डिस्पोज क्यों हो गया कैसे हो गया क्योंकि अभी इस मामले की सुनवाई भी नहीं हुई अभी ये जज साहब के सामने नहीं पहुंचा रजिस्ट्री लेवल पर ही इसे डिस्पोज कर दिया गया है जो मुख्य याचिकाकर्ता थे इस मामले की उन्होंने ट्वीट किया है कि क्लेरिफिकेशन रजिस्ट्री से डिस्पोज कर दिया गया है रजिस्ट्री से ही डिस्पोज हुआ है रजिस्ट्रार जो वहाँ पर रहते हैं यानी कि जज के सामने जाने से पहले ये रजिस्ट्री में मामला जाता है और वहाँ से से डिस्पोज किया गया है और जब डिस्पोज हुआ है तो इसका कुछ ऑर्डर भी आएगा कि आखिर कौन डिस्पोज हुआ जब ऑर्डर आएगा तो चीज़ें स्पष्ट होंगी हो सकता है कि रजिस्ट्री के पास ही इस संबंध में इंफॉर्मेशन रही हो या जो भी इसमें चीज़ें हैं जब ऑर्डर आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी तो थोड़ा सा इंतज़ार करें एक दो दिन का और जब ये ऑर्डर आ जाएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी बाकी रिव्यू पटिशन को लेकर जब चीज़ें आगे आएंगी तो आपको बताया जाएगा रिव्यू पटिशन का जो सिस्टम है मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो मामला है वो जज साहब के चैम्बर में जाएगा वो एक बार मामले को देखेंगे यदि उनको लगता है कि इस पर रिव्यू किया जा सकता है तब वो अलाउ करेंगे और फिर जाकर ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और यदि उनको लगता है कि इसमें रिव्यू करने जैसा कुछ नहीं है तो जज साहब वहीं से इसे सीधे सीधे खारिज कर देंगे सेम उन्हीं जज के पास ये फाइल जाएगी जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था तो ये सारी जानकारी है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन दबा लें कुछ भी खारिज नहीं हुआ है फर्जी खबरों के फेर में ना पड़ें बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अपने लास्ट तक देखा थैंक्स फॉर वॉचिंग